It's not your responsibility to know everything. Your responsibility is to trust me. मुझ पर भरोसा करना वो तेरा काम है. पूरा समझना तेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं. मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझसे प्यार करता हूं. मेरा पास में तेरा लिए योजना है. तेरा कहानी का अंत अभी नहीं हुआ, इसलिए तू सब कुछ नहीं समझ सकता. इसलिए वचन कहता है इसाया चैप्टर 55 वर्स 8-9 में, मेरा सोच और तेरा सोच में जमीन और आसमान का फर्क है. मेरा सोच तेरा सोच नहीं है, तेरा सोच मेरा सोच नहीं है. I am the God who created everything and who sustains everything. You cannot understand God fully. एक लकड़ी का टुकड़ा का ऊपर में कारपेंटर जो है काम कर रहा था, उसको काट रहा है, तो ये काट का टुकड़ा जो है चिल्ला रहा है, प्लीज ऐसे मत करो. उसका ऊपर में छेद कर रहा है, तो फिर वो दर्द का साथ में ये काट का टुकड़ा जो है चिल्लाता है, प्लीज ऐसे मत करो, हमको दर्द हो रहा है. लेकिन ये कारपेंटर जो है इसका आवाज को नहीं सुन के इसका ऊपर में छन्नी हथौड़ा दाव से बार बार काटे जा. लास्ट में जाके देखा, सुंदर सा एक फ्लूट बांसुरी बन गया. तब जाके ये कारपेंटर जो बोला है, अगर मैं तुझ पर छन्नी हथौड़ा और तुझ पर छेद नहीं करता, तू एक लकड़ी का टुकड़ा ही होके बैठना था. तुझ में वैल्यू लाने के लिए, तुझ में कीमत, तुझ तेरा एक पर्पस क्रिएट करने के लिए तुमको हम ये सारा तकलीफ से जाने दिया है. इंसान का फितरत है कि वो हमेशा से आराम को चाहता है, हमेशा वो सुख में रहना चाहता है, चैन में रहना चाहता है, और जो भी हो किसी भी हालत किसी भी परिस्थिति से दर्द से वो बचना चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता है, आराम ही हो. और इसमें बुरा भी नहीं है. हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम हमेशा सेफ हो, आराम में रहे, और हमेशा दर्द से बचने का कोशिश करके हम हमेशा हेल्दी हो, हम हमेशा कोई भी परेशानी से ना गुजरे. यू वॉन्ट टू प्ले सेफ इन लाइफ. लेकिन आपको रियलिटी समझना है कि द मोमेंट है, जिस समय जिस पल आप इस पृथ्वी में आया, आपका जो सेफ जो है एक इल्यूजन है. इवन विश्वासियों के लिए, इवन आपका आत्मिक सफर में भी जो कंफर्ट जो प्लेजर आपको आप ढूंढता है, कई बार वो आपके लिए एक्चुअली में डेंजर है. जॉब का सफरिंग से आज हम कुछ यहाँ में मैसेज ड्रॉ करना चाहता है. सबसे पहले एक वचन में पढ़ना चाहूँगा. आसाफ एक सामिस्ट गीतकार वर्शिप लीडर डेविड का, वो इस प्रकार से गीत लिखता है. साम नंबर 73 को हम बाद में भी रिफर करेंगे. यहाँ में एक चीज हम पढ़ के हम वचन में आगे जाना चाहेगा. यहाँ में कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहता रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. मेरे हृदय मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना हुआ है. सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, दिल से भी हार चुका है, शरीर भी खत्म हो गया, लेकिन सर्वदा के लिए परमेश्वर ही है. ये डिक्लेरेशन के साथ में आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ते हैं. यहाँ में जॉब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे. जॉब कौन है और उसका परिवार और उसका संपत्ति का हम लोग को यहाँ पे पता चलता है. जॉब चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर 5 तक पढ़ने से, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब. जॉब बहुत ही धर्मी आदमी था. धर्मी का मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट था, वो पापी नहीं था, बोल कैसे नहीं, वो धर्मी था. वचन कह रहा है, क्योंकि वचन हमें साफ साफ कहता है कोई भी ऐसा नहीं है जो निष्पाप है, सभी ने पाप किया. रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है, फॉर ऑल हैव सिन्ड. लेकिन हम लोग भी अभी धर्मी हैं, हम सभी धर्मी हैं. क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को हम जानते हैं, उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मालिक
के रूप में स्वीकार करने के द्वारा और उसने कलवरी क्रॉस में क्या किया हमारे लिए उसको विश्वास करने के द्वारा उसका 3 दिन बाद में जी उठने का और न्याय के लिए हमारे न्याय के लिए उठने वाला को विश्वास करने के द्वारा हम लोग भी धर्मी ठहराया गया है। वचन कहता है तो यहाँ में कह रहा है कि जो देयर वॉज अ मैन इन द लैंड ऑफ उज हुज नेम वाज जॉब एंड दैट मैन वॉज ब्लेमलेस एंड अपराइट एंड वन हु फियर्ड गॉड एंड सन इविल। एक आदमी था जिसका नाम था जॉब और वो उस देश में रहने वाला एक व्यक्ति था जो निर्दोष था यानी कि उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता। वो हमेशा सही को करता था और बुराई से वो बचता था। वो परमेश्वर को डरता था। कैरेक्टर वाइज उसमें कोई दोष नहीं लगा सकता है। तू चोर है, तू व्यभिचारी है, तू मर्डरर है, ये सारा कोई दोष नहीं लगा सकता है। वो ब्लेमलेस और उसके बाद में बुराई से बचता था यानी कि बुरा काम को वो नहीं करता था और परमेश्वर से डरता था। And sevens and three daughters were born to him. 7 लड़का और 3 बेटियां थी इसका। और उसका पोजेशन क्या था? His possessions were 7,000 sheep. 7,000 भेड़ बकरियां थे उसके पास में। 3,000 camels था। 500 yoke of oxen. 500 female donkeys and a very large household. So this man was greatest of all people of the east. ये इस देश का इज़राइल में रहने वाला में से सबसे धनी वाला आदमी। 7 बेटा 3 बेटियां और बड़ा घर और जानवर इतना सारा। इसका मतलब क्या है कि उसका पास में जमीन था, जानवर था, धनी आदमी था। और ऊपर से प्लस पॉइंट क्या है कि ये परमेश्वर को डरने वाला आदमी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। ए वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। अमीर है और साथ में परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। और फिर से वर्स 4 में कहता है कि ये इतना मतलब इतना सावधान रहता है ताकि कहीं गलती ना हो जाए इससे। इवन जब उसका बेटा लोग पार्टी करता था, बच्चा लोग पार्टी करता था, ये उन लोगों के लिए उन लोगों का बिहाफ में क्या करता था कि परमेश्वर से माफी मांगता था। वो लोगों को शुद्धि के लिए प्रार्थना करता था कि कहीं वो लोग मौज मस्ती करते हुए कहीं पाप तो नहीं कर लिया, कुछ परमेश्वर को बुरा भला तो नहीं बोल दिया मौज मस्ती करते हुए। तो ये व्यक्ति को किसी भी एंगल से देखने से हम उस पर दोष नहीं लगा सकते। जो तुम ऐसा है, तुम वैसा है बोल के ना। अभी यहां से दुनिया का, पृथ्वी का सीन, ये सीन से हम लोग अभी ऊपर जाएगा जिसको जॉब जो है बिल्कुल अनजान है ना। क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं है। चलो यहाँ में पृथ्वी पे जो कुछ भी हो रहा है उसको मालूम है क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन अभी जो सीन जो है डायरेक्टली शिफ्ट होता है स्वर्ग में। आइए हम लोग देखते हैं वर्स 6 से देखने से यहाँ पर मिलता है। यहाँ में बहुत सारा चीज अभी निकल के बाहर आएगा। यहाँ में कहता है अभी ये बिल्कुल दूसरा दृश्य है जो वचन हमें बता रहा है। नाउ देयर वाज अ डे व्हेन द सन्स ऑफ गॉड यानी कि सन्स ऑफ गॉड यानी कि एंजल्स स्वर्गदूत लोगों को बोलता है केम टू प्रेजेंट themselves before the Lord and Satan also came among them. और एक दिन ऐसा हुआ कि जितने भी स्वर्गदूत थे प्रभु का आगे रिपोर्ट देने के लिए, अकाउंट देने के लिए आए, उसी वक्त उन्हीं भीड़ में, उन्हीं एंजल्स का बीच में शैतान भी था। अभी यहाँ में थोड़ा सा थियोलॉजी आपको जानना है। शैतान कौन है? फॉलन एंजल। आइज़ाया चैप्टर 14:13 फॉलोइंग में पढ़ने से आपको मिलता है किस प्रकार से लूसीफर जो है स्वर्ग से उसे खदेड़ दिया गया। वो भी एक एंजल है, स्वर्गदूती है। शैतान भी एक स्वर्गदूती है और उसको भी अभी जब तक फाइनल रेवलेशन में बताता है जब तक व्हाइट थ्रोन जजमेंट नहीं होगा, फाइनल जजमेंट नहीं होगा और बॉटमलेस पिट में हमेशा के लिए शैतान को भी नर्क में भी जब तक भेज नहीं देता है तब तक शैतान भी स्वर्ग में परमेश्वर का आगे वो अकाउंट देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर चल रहा है। अभी शैतान भी वो लोगों का बीच में था यानी कि फॉलन एंजल। तो उसके बारे में परमेश्वर उसको पूछता है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग ज्ञानी है, वो कहाँ किस लिए क्यों घूम रहा है सारा चीज वो जानता है, इसलिए परमेश्वर उससे पूछता है। And the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said,
from going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. वो बोल रहा नहीं हम ऐसे ही इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कुछ खास नहीं है. परमेश्वर ने पूछा शैतान तू क्या कर रहा है कहाँ घूम रहा है तो शैतान बताता नहीं पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है. अभी वर्स 8 में बोलता है Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one like him on earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. So Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? ये इसको हम हिंदी में पढ़ना चाहेगा. शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या यार क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है. क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों और बारा नहीं बांधा. तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है. परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू तो वो तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा. शैतान को परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है तो शैतान बोलता है हम ऐसे ही घूम रहा है पृथ्वी का चक्कर लगा. अब यहां में परमेश्वर रेस्पॉन्ड करके बोल रहा है क्या तूने जॉब को देखा उसके जैसा धर्मी और उसके जैसा मुझे प्यार करने वाला उसके जैसा मेरी आराधना करने वाला कोई नहीं है. परमेश्वर बोल रहा है. अब परमेश्वर को मालूम है कि ये पहले से जॉब का नजर लगा रहा है क्योंकि वो विश्वासी है विश्वास करने वाला है परमेश्वर को मानने वाला है. तो इसीलिए शैतान वचन बताता है कि शैतान जो हमेशा ताकते रहता है कब मौका मिले मंडली का ऊपर में अटैक करने के लिए. तो यहां में हमें कुछ शिक्षा मिल रहा है कि परमेश्वर ये इसको इसी सीन को लेके जॉन पाइपर डॉक्टर जॉन पाइपर ऐसा कहता है ये तो ऐसा ही होगा कि चोर जो घर में घुस आया एक बड़ा सा ज्वेलरी का घर में एक सोनारी का घर में चोर घुस आया है और ऐसे ढूंढते ढूंढते यानी कि चोरी करने के लिए कुछ ढूंढते ढूंढते मालिक से जा टकराया और मालिक पूछा है तुम यहां क्या कर रहे हो तो चोर बोलता है यहां में हम चोरी करने के लिए आया है देख रहे ढूंढ रहे. तब ये सोनार जो ये ज्वेलरी का मालिक जो बोल रहे हैं क्या तुम वो मेरा रूम का अंदर में जो तिजोरी है उसका अंदर में तुम देखा है उसका अंदर में सबसे बड़ा वाला डायमंड तुम उसको देखा है क्या. परमेश्वर में कुछ ऐसा ही करते हुए यहां में हम लोगों को दिखाई देता है. सर्नाश करने के लिए बर्बाद करने के लिए ढूंढ रहा है किसको बर्बाद करेगा तो परमेश्वर बोलता है जॉब को. अभी यहां पर रीजन दे रहा है पहले से मालूम था पहले से मालूम है शैतान को जॉब के बारे में इसीलिए वो अभी आंसर दे रहा है. ऐसा नहीं कि कौन जॉब ऐसे नहीं पूछा है अभी वो बता रहा है. अब देखिए वो रीजन बताता है कि क्यों जॉब परमेश्वर के साथ में बना हुआ है. शैतान ये बात को परमेश्वर को बता रहा है क्यों जॉब जो है आपको मानता है आपको प्यार करता है आपकी आराधना करता है. हम पर्सनलाइज करें तो आज शैतान हमको ये बता रहा है क्यों आप परमेश्वर का भवन में आता है क्यों चर्च आता है क्यों आप थैंक्स टाइप देता है क्यों फास्टिंग प्रार्थना करता है क्यों आप परमेश्वर को मानता है उसका रीजन शैतान यह हमें बता रहा है. उत्तर देते हुए बेकार ही नहीं मान रहा है बोला है यह हमें वचन बता रहा है. शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या आयु परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है यानी कि क्या आपका आराधना क्या आपका फास्टिंग प्रार्थना या क्या आप परमेश्वर को देना या जो कुछ भी आप करता है क्या वो बिना लाभ का है. शैतान पूछ रहा है प्रेज द लॉर्ड आप बिना बेनिफिट का परमेश्वर में बिना बेनिफिट का आप रह नहीं सकता है शैतान का ये चैलेंज है. प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए यहां में शैतान बोल रहा है जॉब जो है परमेश्वर का आराधना करने के पीछे परमेश्वर का साथ में बने रहने के पीछे
रीजन है, मोटिव है, किसलिए वो परमेश्वर का साथ में बना हुआ है, इसीलिए वो बना हुआ है कि उसको लाभ मिलता है। इन अदर सेंस अगर लाभ को हटा देने से परमेश्वर को नहीं मानेगा बोल रहे। अगर आप लाभ को हटा दो, शैतान बता रहा है परमेश्वर को, आप लाभ को साइड कर दो, जो बेनिफिट है आप में जो रहने से जो बेनिफिट है उसको हटा दो, तो परमेश्वर को आपको आराधना नहीं करेगा, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेगा, वो उल्टा आपको निंदा करेगा बोला, कर्ज देगा बोला। जॉब को परमेश्वर को बोल रहा है, तो यहां बताने का कोशिश क्या कर रहा है, बिना लाभ का परमेश्वर परमेश्वर नहीं बनता है। यानी कि चर्च आने के पीछे हीलिंग, चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, ये सारा चीज है तो परमेश्वर है, अगर ये सारा चीज नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, तो उसका मतलब कि बेनिफिट ही परमेश्वर है। शैतान का केस आर्ग्यूमेंट, और यही चीज प्रभु यीशु मसीह का समय से चला आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह रोटी खिला रहा है तो भीड़ उसका पीछे आता है, जब मच्छी दे रहा है तो भीड़ उसका पीछे, जब चंगाई दे रहा है तो भीड़ उसका पीछे, जब मिराकल्स देख रहा है तो भीड़ उसका पीछे, लेकिन जब कलवरी के बाहर चल रहा है तो सभी जन, इवन चेला लोग भी भागते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो शैतान बोल रहा है, परमेश्वर आप एक पल के लिए सारा आशीष, सारा सुरक्षा, सारा चीज को हटा दो तो वो आपको नहीं मानेगा, बोल रहा है। सफरिंग रिवील्स और प्रायोरिटीज, हमारा प्राथमिकता बताता है किसको चुनेगा, परमेश्वर कुछ भी नहीं होने से भी क्या परमेश्वर है सबसे ज्यादा, क्या हम उसी को चाहता है। अब यहां में देखते हैं, परमेश्वर कहता है शैतान से, चलो ठीक है देखते हैं। तो एक के बाद में एक शैतान, क्योंकि परमिशन दिया है, परमेश्वर परमिशन दे दिया, चलो चोरी करने का कोशिश करो, जॉब को चोरी करने का कोशिश करो, हमसे उसको ले जाने का कोशिश करो, परमेश्वर परमिशन दे दिया। सबसे पहले तो बिना परमेश्वर का अनुमति शैतान हमको छू नहीं सकता, इस बात के लिए हम ताली बजाते हैं। शैतान परमेश्वर का बच्चा को छूने के लिए परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ेगा, विदाउट हिज परमिशन वो छू नहीं सकता। यहां में जॉब का केस में दिखाई दे रहा है परमेश्वर परमिशन दे रहा है, इसीलिए चर्च स्पर्जन एक प्रभुदास कहता है, जो कुछ भी परमेश्वर हमारा जीवन में अलाउ करता है वो हमारा बेहतरी के लिए, हमारा लाभ के लिए, क्यों ना वो बीमारी भी हो, क्यों ना वो तंगाली हो, क्यों ना वो रिलेशनल कंफ्लिक्ट हो, क्यों ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, क्यों ना वो हेल्थ इश्यूज हो, क्यों ना वो फेलियर्स हो, इन सभी में हमारा बेनिफिट है अगर परमेश्वर परमिट कर रहा है तो। यहां में परमेश्वर परमिट करता है, सफरिंग को अलाउ करता है, उसके बाद में उसका संपत्ति खत्म हो जाता है, इवन उसका परिवार तक खत्म हो जाता है, तब भी जाके जॉब टिका हुआ रहता है और कहता है, नेकेड आई केम फ्रॉम माय मदर्स वूम एंड नेकेड आई विल रिटर्न देयर, द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड हैज टेकन अवे, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वर्स 20 चैप्टर 1, परिवार अब नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, अब गरीब है और संतान भी नहीं है। अब वचन को पढ़ के जाइए, हम पूरा नहीं पढ़ेगा, सब कुछ लूट गया, लूट गया, तबाह हो गया। तो यहां में सब कुछ लूट जाने के बाद में भी जो परमेश्वर का आराधना करते हुए हमको दिखाई देता है, इसलिए तिमोथी केलर कहता है, पास्टर राइटर थियोलॉजियन तिमोथी केलर ऐसा कहता है, तब तक हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग को सिर्फ परमेश्वर चाहिए, जब तक कि सिर्फ वही बच के नहीं रह जाता है, मतलब कि वही है, सब कुछ लूट गया, हेल्थ चला गया, फाइनेंस चला गया, रिलेशन टूट गया, सिर्फ परमेश्वर बचा हुआ है, तभी जाके समझ में आता है बोला है कि हमको सिर्फ परमेश्वर ही चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। तो जो सब कुछ लूट जाने के बाद में भी परमेश्वर में बना हुआ है, चिपका हुआ है, शैतान गलत हो गया,
शैतान कहने का कोशिश कर रहा था कि जो लाभ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उन्नति है, जो हेल्थ है, जो प्रोटेक्शन है परमेश्वर में, इसीलिए जो बना हुआ है परमेश्वर से, ये सबको हटा दो, ये सब ले लो तो जॉब आपको नहीं मानेगा। ये केस जो है शैतान का, उसमें वो फेल हो गया। जॉब बना रहा, टिका रहा परमेश्वर में। अब दूसरा, चलो ठीक है, आपने उसका संपत्ति ले लिया, आपने उसका परिवार को उससे हटा दिया, अब तो उसका जान पे बात आना चाहिए, तब जाके वो आपको निंदा करेगा। इसीलिए इस जॉब का, इस केस में आपको ये समझ में आता है कि सच्ची में आपका विश्वास का टेस्ट जो है, आपका पीरा ही हो सकता है। आपका वफादारी परमेश्वर का प्रति कितना है, बीमारी में पता चलेगा। आप परमेश्वर को कितना प्यार करता है, जब आप कंगाल होकर बैठेगा, उधारी का जिंदगी जिएगा, आप कितना परमेश्वर को चाहता है, तब जाके पता चलेगा। इसीलिए परमेश्वर को परमेश्वर के लिए ही प्यार करना है, ना कि लाभ, ना कि बेनिफिट। एक प्रभुदास बोला, मेनी ऑफ अस वी सीक फेवर फ्रॉम God instead of seeking His face, ना? हमको मालूम है आप लोग में से बहुत बीमार हैं, हमको मालूम है आप लोग में से बहुत सारे लोग रिलेशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, हमको मालूम है आप लोग कोई तकलीफ से अभी अभी बाहर आया वाला है, और हमको ये भी अभी तक का मेरा एज से ये उज्जम आ गया है कि हम लोग में से बहुत सारा लोग प्रॉब्लम के अंदर में भी जाने वाला है। Suffering is real. क्यों प्रभु का वचन कहता है blessed, जब आप beatitude को पढ़ते हैं वहां में आपको दिखाई देता है blessed and they which hunger and thirst after righteousness for they shall be filled. वहां में blessed, फिर नीचे में आप जब पढ़ेगा blessed are those who are persecuted, धन्य है वो जो निंदा धारणा सारे तकलीफ को होके गुजर रहा है। ब्लेसेड क्यों धन्य है बोला, फिर जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 में क्यों बोलता है ब्लेसेड इज द वन हु प्रिजर्व्स ऑन द ट्रायल, धन्य है वो जो सारे पीड़ाओं के बीच में भी परमेश्वर में बना रहता है। जॉब का पहला टेस्ट में वो पास हो गया, दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा टेस्ट में आता है कि शैतान कहता है चलो परिवार बिछड़ गया, संपत्ति सब लूट गया, बर्बाद हो गया, अभी भी आपको धन्य बोल रहे, चलो ठीक है। अब दूसरा टेस्ट उसका ऊपर में कि उसका जान पे बात आना चाहिए, उसको ऐसे 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 उसका शरीर को ऐसे कर दो कि आप वो मरेगा, तो परमेश्वर उसमें भी अलाउ करता है, चलो ठीक है तुम करके देखो। लेकिन ये बात स्वर्ग में क्या चल रहा है जॉब को बिल्कुल भी पता नहीं है, हम लोग जैसे ही वो भी अनजान है, लेकिन ये सारा चीज स्वर्ग में हो रहा है। तो नेक्स्ट जॉब को सिर से लेकर पूरा उसका पाँव तक पूरा बॉयल्स निकलता है, वचन बताता है कि इतना तक हो गया कि वो पूरी तरीके से मतलब उसका हेल्थ पूरा बिगड़ गया, पूरा उसका पर्स बाहर आ रहा है, अब शरीर भी नहीं रहा। तो हम अपना विजडम से सवाल कर सकते, परमेश्वर थोड़ा तो रहम करो, अभी सब कुछ लूट गया है, उसका शरीर नहीं है, कैसे वफादारी आप देखना चाहते हैं जॉब से, बच्चा चला गया, संपत्ति चला गया, घर बारी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा जॉब के अंदर, परमेश्वर थोड़ा तो दया करो। लेकिन यहां में परमेश्वर अलाउ करता है शैतान को। अब ये सारा चीज जॉब के साथ में हो रहा है, अभी शरीर भी नहीं है, इवन पत्नी भी बोलने लगा, अभी तक तो परमेश्वर को बना, परमेश्वर में बना हुआ है, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। बीवी भी निराश हो चुका है, क्या परमेश्वर को मानते रहेगा,
जो शैतान बोलना चाहता है वो वही बीबी भी बोल रहा है, कर्स गॉड एंड डाई, क्या है जी के अभी क्या रखा है, ना परिवार है ना धन संपत्ति है, कुछ भी नहीं, अभी तो तेरा हेल्थ भी खत्म हो गया, अभी तो लोग तुमको देखे घिन करता है, सिर से लेकर पाँव तक बॉयल ही बॉयल है, क्या है ये, अभी भी तुम विश्वास में बना हुआ है, दिस इज वन पर्सपेक्टिव। परिवार से बीवी से ये बीवी को भी अभी हम लोग थोड़ा ध्यान से सोच देने से कभी कभी जस्टिफाई करने लायक भी है, क्योंकि वो उसका समझ नहीं तो क्या होगा। लेकिन जो कहता है तुम एक बेवकूफ औरत का जैसा बात कर रहा है, बेवकूफ औरत है बोल के नहीं बोला, एक बेवकूफ औरत के जैसा बात कर रहा है। परमेश्वर से हम अच्छे चीज़ों को ले, आशीष को ले, और परमेश्वर से बुरा को क्यों ना स्वीकार करें। जॉब का आंसर, इन सभी में शैतान को कहीं पर भी जॉब दोष नहीं दे रहा, परमेश्वर को ही बोल रहा है, परमेश्वर ही किया है। अब लोगों को सब पता चलता है जॉब के साथ में क्या हो रहा है, इसीलिए उन जॉब का तीन दोष आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन दोष का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों को यहाँ पर समझना है, ये तीन दोष का अंडरस्टैंडिंग आज हम लोगों का बहुत लोगों का भी अंडरस्टैंडिंग होता है। तीन दोष आता है जॉब को देख कर पूरी तरीके से वो लोग भी सहम जाता है, इतना तकलीफ, शरीर भी खत्म हो चुका है, अब जॉब कुछ नहीं, मिट्टी में बैठा हुआ है, सब खत्म हो गया जॉब का। अब ये तीन दोस्त इलीफास, बिलदाद और जोफर, तीन दोस्त आकर सात दिन तक चुपचाप जॉब का साथ में बैठता है, क्योंकि इतना दर्द है, इतना तकलीफ है, बोल नहीं सकता है, क्या बोलेगा। तो इसमें ये लोग का विजडम दिखाई देता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, सात दिन बाद में क्या होता है, उसको भी हम लोग देखना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं हॉस्पिटल में जाने से या कोई पूरा बीमार टर्मिनल इलनेस का साथ में है, उन लोग आगे जाके हम लोग को बहुत कुछ बोलना नहीं, हम लोग का प्रेजेंस ही बहुत कुछ बोलता है, तो वह हमें कुछ समय में साइलेंट रहना भी अच्छा है। तो ये तीन दोष जो है सात दिन सात रात चुपचाप रहता है। अगला समय से ये तीनों के अंदर में भी खलबली मचने लगता है मुंह खोलने के लिए, मुंह खोल के इलीफास बोलता है जो तुम पक्का कुछ पाप किया होगा, इसलिए तुम्हारा साथ में इतना बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है धर्मिक लोगों के साथ में, ऐसा नहीं होता है, तुम जरूर कुछ पाप किया होगा। चैप्टर 4 से पढ़ रही है, यहां में जो जॉब को उसका दोष ही कह रहा है, इलीफास कह रहा है जो यू मस्ट हैव सिंड, कुछ छुपा हुआ पाप है, कुछ गलत किया है, तुमने कुछ जरूर ऐसा किया जिसके कारण तेरा जिंदगी में ऐसे हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग इलीफास। और दूसरा दोष कहता है फिर वो 5 में कहता है परमेश्वर तुमसे कुछ बदला ले रहा है, तुमको कुछ तुम गलती किया किसी ने, परमेश्वर तुमको ये सजा दे रहा है, परमेश्वर तुमको पनिशमेंट कर रहा है, तुम पाप किया है, तुम गलती किया है, इसीलिए तेरा साथ में ये सारा हो रहा है। जॉब जवाब देता है, जस्टिफाई करने का कोशिश करता है। फिर दूसरा दोष आके बोलता है जॉब तुमको रिपेंट होना होगा। बिलदाद कहता है चैप्टर 8 फॉलोइंग में जो तुमको रिपेंट होना है, क्योंकि तुम पाप किया है इसीलिए तेरा साथ में इतना बुरा हो रहा है, इसीलिए तेरा ये आज हालात परिस्थिति ऐसे हो गया है, तुम पाप किया है, तेरा अंदर छुपा हुआ पाप है। जो अपना जस्टिफिकेशन देता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये तीनों दोष का सोच क्या था, एक फॉर्मूला का बेसिस पे काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, आप गिरजा फास्टिंग प्रार्थना करो, दान ऑफरिंग थाइल्स दो, और जितना हो सके अच्छा बनो, तो परमेश्वर आपको हमेशा आशीष देगा, आप हमेशा सक्सेस होगा, आप हमेशा हेल्दी होगा, आप हमेशा उन्नति को पाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये है कि बी गुड एंड गॉड विल बी गुड टुवर्ड्स यू। तुम कुछ गलत करो तो परमेश्वर तुमको पनिश करेगा। फॉर्मूला क्या है, परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है, परमेश्वर का फेवर पाना चाहता है, तुमको अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, अच्छा बच्चा बनो
आशीष है, बुरा मानो पनिशमेंट है। अगर ऐसा ही है बोलने से सड़क में कोई भी नहीं चलना चाहिए था ना, चोर कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए था, परमेश्वर सबको खत्म कर देना चाहिए था। क्या अंडरस्टैंडिंग है? हम लोग भी कई बार परमेश्वर को क्या सोचता है कि हम इतना अच्छा है कि आई डिजर्व टू बी ब्लेस्ड, हम इतना अच्छा है, हम इतना सही है, हम इतना फास्टिंग रहता है, हम इतना देता है कि परमेश्वर मजबूर हो गया कि हमको आशीष देना ही पड़ेगा। परमेश्वर को अपना धार्मिकता से कंट्रोल करने का कोशिश बहुत लोग करता है। वचन में कहां पर बोला है कि हम लोग धार्मिक हैं? जैसे हम शुरुआत में बोला है, फॉर देयर इज नो वन राइचियस, कोई भी धर्मी नहीं है, सभी ने पाप किया है, वचन कहता है। तो लेकिन कई बार हम लोग में ये आ जाता है कि हम लोग सोचता है कि हम सही हैं ना, हमेरा मेरा साथ में हमेशा सही होना है, बुरा नहीं हो सकता है। बुरा हो गया तो कोई बुरा हो, वो जरूर कुछ गलती होता है, जरूर कुछ पाप होता है। सफरिंग का बहुत सारा रीजन से, तकलीफ आने का पीछे बहुत सारा रीजन से बाइबल में देखने से वचन बताता है कि हम लोग अपना चॉइस से भी सफरिंग लेके आता है, यानी कि तकलीफ को लेके आता है। हम पूरा 100 का स्पीड में जाके कहीं एक्सीडेंट कर देगा, उसके बाद में परमेश्वर को बोले क्यों ऐसे परमेश्वर, हम तो आपका काम नहीं किया था। सवाल नहीं कर सकता है, माई चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम हमको मिलेगा वो भी मेरा। हम पूरा रोज सुबह शाम 2 लीटर का पेप्सी बोतल हम पीते रहता है, बाद में जाके बीमार हो गया, परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते। चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस वचन बताता है, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ये परमेश्वर का नियम है कि आप जैसे आप अपना हिसाब से भी सफरिंग को लेके आता है, बाइबल बताता है ना, इसीलिए वचन बताता है लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग एंड कर्स आपका आगे है। कई बार क्या होता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ आप सही करते जा रहा है, लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ लिविंग इन दिस फॉलन वर्ल्ड आपको तकलीफ मिलता है। इसीलिए वचन कहता है कि इवन क्रिएशन भी प्रभु का ओर देख के, रोमन चैप्टर 8:18-20 में बोलता है कि इवन क्रिएशन भी प्रभु का ओर देख के, सृष्टि भी प्रभु का ओर देख के गुहार लगा रहा है कि जो शरण है, जो तकलीफ है, उससे निजात मिले। क्योंकि कर्स, दिस इज कर्स फॉलन वर्ल्ड बोलता है, जब आदम और ईव ने पाप किया और ये संसार जो है श्रापित हो गया बोल के वचन बताता है। इसीलिए एज ए रिजल्ट ऑफ लिविंग इन द फॉलन वर्ल्ड वी विल गेट सफरिंग। लेकिन इन द केस ऑफ जॉब इट वॉज नन, वो कुछ गलती नहीं कर रहा था कि उसको सजा मिले। कई बार वचन भी बताता है कि परमेश्वर भी किसी किसी को पर्टिकुलरली स्ट्राइक करता है, लेकिन जॉब का केस में ऐसा नहीं था। परमेश्वर अलाउ कर रहा था शैतान को जॉब को टेस्ट करने के लिए, और जॉब का दोष लोग क्या बोल रहा है कि गलती क्या है, इसीलिए तुमको ये सारा चीज तेरा साथ में हो रहा है। हम लोग का सीआरसी में भी बहुत सारा लोगों का अंदर में ये अंडरस्टैंडिंग है, जब बीमार हो जाता है, कुछ तकलीफ हो जाता है, तो हम लोग बोलता है कि ये पक्का कुछ गलती किया होगा। ऑफकोर्स गलती करके, खुद गलती करके भी सजा मिलने वाला लोग होता है, लेकिन सभी ऐसा होता है बोल के नहीं। अब धर्मी है हमेशा उन्नति होगा, वो भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकता। अब सही है, परमेश्वर का इच्छा में है, फिर भी आप तकलीफ में हो सकता है, प्रेज द लॉर्ड। आप पूरा आराम में है, फिर भी आप परमेश्वर का इच्छा से बाहर हो सकता है। आप पढ़िए साम नंबर 73 आसाफ का पॉइंट। आसाफ सही था, लेकिन उसका साथ में गलत हो रहा था। जो उन्नति आराम में था वो लोग गलत था, फिर भी आराम में था। तो ये क्या हो रहा है उससे आप कंक्लूड नहीं कर सकता है। जॉब का केस में क्या है कि जॉब निर्दोष है, फिर भी उसका साथ में बुरा हो रहा है। तो आप समझ में नहीं आता है क्या है, किस लिए है, क्यों है। पर्सपेक्टिव जब देखता है, परमेश्वर का अच्छाई को समझने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है कि जॉब बीमार है, जॉब का सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे विश्वास करेगा कि परमेश्वर सुरक्षा देता है, अब कैसे विश्वास करेगा कि परमेश्वर चंगाई देता है, अब कैसे विश्वास करेगा कि परमेश्वर का प्लान जो है अच्छा के लिए होता है, कैसे विश्वास करेगा। एक पल के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाने से हम लोग कंफ्यूजन, बैकस्लाइडिंग, डिस्करेजमेंट, सारा चीज आता है। स्टोरी यहीं पर रुक जाने से, अरे जो
तुम्हारा तो सच में प्रभु को विश्वास क्या होला, मीनिंगलेस है। तो तुम बीमार है, तेरा परिवार सब खत्म हो गया, तेरा संपत्ति खत्म हो गया, सब कुछ लूट गया, फिर भी अब तुम परमेश्वर पे बना हुआ है। तो अब जॉब को भी धीरे धीरे करके निराशा आने लगता है, जब लोग कह रहे तुम पाप किया हो, जब दोष लोग बोल रहे हैं, आप में जरूर कुछ है जिसका कारण आपको ये सारा सजा मिल रहा है। सफरिंग में कंफ्यूजन आता है ना, किस लिए हो रहा है परमेश्वर, क्यों ऐसा है, क्या के लिए है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आपका प्लान क्या है, योजना क्या है, समझ में नहीं आता है। तो जब सिचुएशन को देखता है, अंदर ही अंदर दर्द को लेके बैठने से, जब नुकसान को देखने से, अपना लाइफ में एक बीमारी का बाद में एक बीमारी, एक तकलीफ का बाद में एक तकलीफ दिखाई देने से, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से डिस्करेज होता है, वो स्टेज जॉब का भी पहुंचता है, जॉब भी अंदर ही अंदर निराश होना शुरू होता है। क्यों ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आप जो जैसा बोला है वैसे ही करके जा रहे हैं, हम कहाँ में हमसे गलती हो गया, हम विधवाओं का सहारा बन रहे हैं, अनाथों को हम दे रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, हम कभी पराई स्त्री को आंख उठा के नहीं देखा है, हम हमेशा सही चलने का कोशिश किया, लेकिन क्यों ऐसा है परमेश्वर, जॉब सवाल करता है। अब दोस्त लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं करता आंसर, अब मुझे चाहिए तो परमेश्वर आपको ही जवाब देना होगा, मेरा तकलीफ मेरा पीड़ा मेरा दर्द का कारण आपको ही बताना पड़ेगा, क्यों ऐसा है, किस लिए है, हम क्यों इतना तकलीफ में है, हमसे क्या हो गया कि आप हमको ऐसे डील कर रहे हैं, समझ में नहीं है। तब जाके परमेश्वर से सवाल करने लगता है, जो अपना केस को परमेश्वर का आगे ले जाता है, परमेश्वर को आंसर देने के लिए कि परमेश्वर आपको जवाब देना होगा, किस लिए ऐसा है, क्यों ऐसा है। जब कहीं से भी उसको आंसर नहीं मिला है तो जॉब जो है परमेश्वर से सवाल करने लगता है। हम लोग में से बहुत लोग समझने का कोशिश करते हैं ना परमेश्वर को, लेकिन आपको हम बता देगा, परमेश्वर को आप कभी भी पूरा नहीं समझ सके, परमेश्वर को कभी भी हम लोग पूरा नहीं समझ सकेगा। जो परमेश्वर से आंसर मांगता है, लेकिन परमेश्वर रिवील करते हुए जवाब नहीं देता है, उल्टा जॉब से सवाल करता है। जब हम फर्स्ट जॉब बुक ऑफ जॉब को पढ़ते पढ़ते जा रहा था, ये जगह में हम बहुत ही ज्यादा हमको ये हो गया, अरे परमेश्वर जवाब दे देने से उसका एक संतुष्टि मिलना था जॉब को, उल्टा जॉब को सवाल कर रहा है परमेश्वर, अब तुम तैयार हो जाओ, अभी हम तुमको सवाल करेगा। परमेश्वर कहता है, क्या तुम बता सकता है ये पृथ्वी का नींव कौन रखा, क्या तुम बता सकते है बादल कैसे बनता है, ये सारा ब्रह्मांड सारा छोटा से छोटा कीड़ा हर एक चीज का बाद में बैक टू बैक सवाल करते जाता है परमेश्वर जॉब से। अब जो लास्ट में क्या बोलता है, आई नो दैट यू कैन डू एवरीथिंग एंड दैट नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी विथहेल्ड फ्रॉम यू, यू आस्क्ड हु इज दिस हु हाइड्स काउंसिल विदाउट नॉलेज, देयरफॉर आई हैव अटर्ड व्हाट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, थिंग्स टू वंडरफुल फॉर मी व्हिच आई डिड नॉट नो, लिसन प्लीज एंड लेट मी स्पीक, यू से I will question and you shall answer. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes have seen you. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. ये क्या चल रहा है? सबसे पहले तो सब कुछ लूट गया, अब शरीर भी नहीं रहा, अब ये बेचारा जो
जवाब परमेश्वर से चाहता था। अब परमेश्वर से जो जवाब चाहता है, परमेश्वर आके उसको ही उल्टा सवाल पे सवाल किया जाता है। अब जॉब क्या कहता है, मैंने ये जान लिया कि आप सब कुछ कर सकता है, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, सब कुछ कर सकता है। दैट नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी विथहेल्ड फ्रॉम यू, जो कुछ भी आपका उद्देश्य है वो होके रहेगा जो आप चाहता है। इसीलिए मैंने सुना था आपके बारे में, लेकिन अब मैंने आपको देख लिया, इसीलिए अब मैं पश्चाताप करता हूं, मिट्टी में चला जाता हूं। परमेश्वर का रेवलेशन मिलने के बाद में मिट्टी में चला जाता है। नाचका डिजर्ट पेरू में है, पेरू ना एक देश है, साउथ अमेरिका का एक देश। वहां में हमेशा जो भी वहां का लोग था वो डिजर्ट का वो नरभूमि का हमेशा कंफ्यूज रहता था। कंफ्यूज किस लिए कि उसमें बहुत सारा गड्ढा करके पूरा लाइन 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 ऐसे करके पूरा फैला हुआ है पूरा। ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताता है 500 BC और 500 AD का बीच में वो खुदाई किया वाला लाइन लोग है। हमेशा से लोग वहाँ का जो लोग है वो लोग भी ये लाइन लोग को देख के कन्फ्यूज होते क्या के लिए होता होगा। अंटिल 1939 में एक कॉलेज प्रोफेसर, रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर पॉल कोशक बोल के हेलीकॉप्टर से ऊपर से वही लाइन को देख रहा था। देखते देखते दिखाई दिया जितना भी लाइन है कुछ तो चिड़िया है, कुछ तो कुछ जानवर है, कुछ तो कुछ इंसान का कुछ तस्वीर बना हुआ है। नीचे से देखने से सारा क्या चीज, ये लाइन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एक पहाड़ का ऊपर में भी पूरा खुदाई करके वो सारा लाइन है, तो ये क्या है बोल के लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब ऊपर से वही लाइन को देखता है तो दे सी द बिग पिक्चर। यहां में वचन कहता है कि बिग पिक्चर जो है हमारा पास में नहीं है, मतलब पूरा तस्वीर जो हमारा पास में नहीं है। अब यहां में जॉब को परमेश्वर बताने का कोशिश क्या कर रहा है कि आई नो इट्स नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एवरीथिंग, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करना वो तेरा काम है, पूरा समझना तेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरा पास में तेरा लिए योजना है, तेरा कहानी का अंत अभी नहीं हुआ, इसलिए तू सब कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए वचन कहता है चैप्टर 55:8-9 में मेरा सोच और तेरा सोच में जमीन और आसमान का फर्क है, मेरा सोच तेरा सोच नहीं है, तेरा सोच मेरा सोच नहीं है। आई एम द गॉड हु क्रिएटेड एवरीथिंग एंड हु सस्टेन्स एवरीथिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड फुल्ली। इसीलिए राइटर ऐसा कहता है इफ गॉड विल सो स्मॉल टू बी फुल्ली अंडरस्टूड ही विल नॉट बी वर्थी टू बी वर्शिप। अगर परमेश्वर इतना छोटा हो जाए कि आप पूरा उस काम को समझने लगे ओ परमेश्वर इसलिए कर रहा है ये सारा चीज, ओ इसलिए ये है, तो वो परमेश्वर नहीं होता है जिसने हमारा ब्रेन को डिजाइन किया, जो सारा यूनिवर्स को रचता है। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते और कितना मतलब तारा है, तारा मंडल और कितना गैलेक्सी है, सब कुछ को परफेक्टली कंट्रोल रखने वाला सन का आगे पीछे रोटेट करता है हमारा पृथ्वी। अगर थोड़ा सा भी साइंटिस्ट लोग बोलता है थोड़ा सा भी उस लाइन से थोड़ा सा भी ग्रेविटी इधर उधर हो गया, सन का सामने चला गया, जल के सब कुछ राख हो जाएगा, थोड़ा सा भी इधर आ गया बर्फ होके कोई भी जिंदा नहीं रह सके, इतना ठंडा हो जाएगा, सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल। ये एक जस्ट नमूना है, इनफाइनाइट विजडम का आगे जस्ट एक लिमिट है पावर का आगे। तो कैसे समझेगा हम परमेश्वर को पूरा, तो यहां में वचन क्या बता रहा है, भरोसा। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए आस्था भरोसा परमेश्वर हमसे मांगता है।
अब जॉब को सब कुछ वापस मिल जाता है, डबल पोर्शन, उसका धन संपत्ति सब डबल हो जाता है, उसका बच्चा जितना खोया था वो भी डबल हो जाता है, दस मिलता है। लेकिन आपको ये जानना है कि स्वर्ग में जो दस है वो ऑलरेडी स्वर्ग में जो खो गया होगा, फिर इस पृथ्वी में फिर से उसको दस बच्चा और संपत्ति डबल हो जाता है, जितना खोया उससे दुगना परमेश्वर उसको वापस कर देता है जॉब को। और जॉब जो है पूरा समय तक जी के परमेश्वर का ये भी दे के वो प्रभु का पास में चला जाता है, स्टोरी का एंड ऐसा होता है। नाउ परमेश्वर आखिर कहना क्या चाहता है यहाँ पर? भरोसा, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आप बीमारी में भी प्रभु तू भला है? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है एट द एंड रेवलेशन चैप्टर 21:4 में, अंत में मैं गले लगा के उनके सभी आंसू को मिटा दूंगा, जब स्वर्ग राज का वो दृश्य को बता रहे, गले लगा के सब आंसू को मिटा दूंगा, ना दर्द होगा, ना पीड़ा होगा, ना बीमारी होगा, ना मौत होगा, आनंद जो है अनंत काल के लिए प्रभु का बच्चा का होगा। वचन कहते हैं आशीष को आज हम लोग ने बहुत ही गलत तरीके से ले लिया है। आशीष को, आशीर्वाद शब्द हमारा बाइबल का बेसिस पे नहीं हो रहा है। आशीर्वाद का मीनिंग को आप जब वचन में दिखाई देता है, फेवर ऑफ द लॉर्ड बोला है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपके तरफ में होना वही आशीर्वाद है। परमेश्वर का विजडम में अगर आप बीमार है और परमेश्वर आपका साथ में है, आप आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या हो रहे हैं, परमेश्वर में आओ, हीलिंग चंगाई है, आपको उस है, वो पूरा पैकेज नहीं है, आनंद काल का जीवन भी है, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग राज भी है। जब इनविटेशन देता है, किसी को चर्च में बुलाता है, तो सिर्फ ये बोल के मत बुलाइए वह परमेश्वर में आओ चंगाई हो जाएगा, नहीं, बोलिए कि हम मर जाने के बाद में स्वर्ग राज है, यीशु मसीह को आप अपना मालिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, और कलवरी क्रॉस में जो उसने आप और मेरे जगह में हमारा पापों के लिए जान दिया, उस पर आप विश्वास करेगा, यीशु मसीह को अपनाएगा, अपना मालिक और बचाने वाला मानेगा, विश्वास करेगा, तो आपके लिए स्वर्ग राज है, ये भी बताना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बिग पिक्चर, तो सफरिंग का आंसर बहुत लोगों को इस पृथ्वी में नहीं मिलेगा, लेकिन भरोसा करना है हमको प्रभु का ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका फेलियर्स का, नुकसान का आपको जवाब नहीं मिल सकता है, फिर भी आपको भरोसा करना है। एक 5 साल का बच्चा को समझ में नहीं आता है सब कुछ क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है माँ पिताजी, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, दोबारा मुड़ के देखता है, उसी माँ पिताजी को थैंक यू बोलता है। आइए हम लोग एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर का नजर में सब स्टोरी क्लियर है, जब ऊपर से देख रहा है तो सब क्लियर है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, परमेश्वर जानता है। आइए हम लोग एक बार आंखें बंद कर लेते हैं, सिर्फ लाभ के लिए अगर हम लोग परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो आप जानिए कि वो बेनिफिट ही हम लोग का परमेश्वर है, ना कि परमेश्वर खुद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं, प्रभु की आराधना करेंगे। जॉब सब कुछ लूट जाने के बाद में भी प्रभु धन्य है तू। इवन जॉब खुद कहता है मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, फिर भी हम परमेश्वर को देखेगा। वचन कहता है ही न्यू जो इटर्नल लाइफ, जो स्वर्ग राज, ये पृथ्वी का जीवन कितना साल का है, 70-80 years एवरेज लाइफ स्पैन। देन व्हाट, अच्छा शरीर होके भी देन व्हाट, धन संपत्ति होके भी देन व्हाट, उसके बाद क्या, हेल्दी वेल्दी 70-80 years उसके बाद क्या, सक्सेस नेम फेम 80 years 90 years उसके बाद क्या,
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 80, 90 years, 100 years, उसके बाद क्या? उसके बाद परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, आप सभी आशीषित हैं। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आप आशीषित हैं। आशीष हमेशा धन संपत्ति के रूप में नहीं है, आशीष उसका अनुग्रह, आशीष आपको बेहतर बनाता है, आशीष आपको मजबूत बनाता है, आशीष आपको ताकत देता है, परमेश्वर का अनुग्रह। हम लोग कई बार सोचता है कि धन संपत्ति उन्नति आने से हम खुश होगा। नो, परमेश्वर का अलावा आपको कोई फुलफिल नहीं कर सकता है, कोई आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ओनली गॉड। आइए हम लोग हाथों को उठाते हैं। हाथों को उठाना दिखाता है कि कुछ भी हमारा हाथ में नहीं है। इस पृथ्वी में आना हमारा हाथ में नहीं था, इस पृथ्वी से जाना भी हमारा हाथ में नहीं है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मैं उन्नति, चंगाई, जीवन मरण सब कुछ उसके हाथ में है। वही जीवन देता है, वही जीवन को ले भी सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है। देयर इज नथिंग इन आवर कंट्रोल। हम सिर्फ उस पर भरोसा कर सकते हैं। कसम कुछ लूट जाने के बाद में भी वफादार रहा, आप पर भरोसा किया और उसे आशीष फिर से दोबारा मिला, चंगाई को मिला, उन्नति को मिला, परिवार को मिला, दुगना मिला। इससे ये भी हमें समझ में आता है कि वही दिन डिजर्व इट फर्स्ट प्लेस। सब कुछ आपके अनुग्रह से है, आशीष चंगाई सब कुछ आपके अनुग्रह से है, उन्नति सब कुछ आपका अनुग्रह से है। हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते पिता, आपके अनुग्रह आपकी इच्छा से हम सभी को चंगाई भी प्रभु हालेलुया मिले। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो हमारे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद ये वचन के लिए। हमें हिम्मत, ताकत, अनुग्रह दे ताकि हम विश्वास में बढ़ते रहे। हमारा सफर जो अनंत काल के लिए है, हम जो ये चल रहे हैं ये जीवन को प्रभु इस संसार में, और एक दिन आपके पास में हम पहुंचेंगे, आपके अनंत काल में पहुंचेंगे। उस समय तक हम वफादार रहे, हम विश्वास में बने रहे, आपको भरोसा करते रहे। धन्यवाद पिता ये वचन के लिए। हम सभी को आपका अनुग्रह मिले। धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।